बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए आभूषण कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सदर थाना इलाके की है, जहां अपाची सवार दो अपराधियों ने कारोबारी रवि कुमार सोनी की सीने और ब्रेन में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन उम्मीद में स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से रवि को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मुजफ्फरपुर में एक बार फिर थ्रा गया है। जानकारी के मुताबिक रवि कुमार सोनी की ज्वेलरी की दुकान सदर थाना के मझौली में स्थित है। शनिवार को देर रात दुकान बंद करके घर के लिए निकले थे। पूरा मोबाइल साइलेंट में था, तो हमारा भतीजा है ये, और वो भी मेरा जो मरा है वो मेरा भतीजा है, तो ये हमको फ़ोन किया तो हम नहीं उठाए, घर पर सोए हुए थे। तो मेरा लड़का आया, बोले पापा ऐसे ऐसे घटना, सोनू भी आपको कोई गोली मार दिया है। तो हम लोग जो है वहाँ से गाड़ी से आए, तो यहाँ देखे कि जो है सो दो गो गोली इसको लगा हुआ है, और पता चला है कि आज कल सुबह में इसको जो है ना कहीं डिलीवर करना था सोना का जेवर। ये मार्केट से लेके आया था, उसका जेवर का मूल्य लगभग 6 से 7 लाख रुपया था, ठीक है। और इसका जो है रुपया पैसा भी जो है मैंने कि चेक पर या ऐसे ही मुझबानी कुछ रुपया पैसा भी, नगद रुपया पैसा भी लोगों को ये देता है, ठीक है। हमको यही शंका लग रहा है कि इसको पहले से कोई पीछा लगा हुआ था, इसका जेवर लूट लिया है और दो गोली मारा है। अगर इसको जो है छीनना रहता तो उसका गला का सोने का चैन था, हाथ में अंगूठी था, वो नहीं छीना है, गोली मारा है। और जिस बैग में सामान रखा हुआ था सोना का, और वो जो है सो वो लेकर चला गया है। मोहल्ला के लोग दौड़ा है, अपाचे गाड़ी से था, बिना नंबर प्लेट का, ब्लू रंग का अपाचे था, तो वो मोहल्ला के लोग दौड़ा है। और जितने भी यहाँ लोग हैं सब पहले मोहल्ले के लोग आए हैं, घर के लोग पहले नहीं आए हैं। सारे मोहल्ले के जो है उस जहाँ पे दुकान है शिव गंगा ज्वेलर्स, वहीं के लोग सब दौड़े हैं, क्योंकि इसका बहुत दिनों से वहाँ दुकान है। तो ये दो इसमें बातें होती है कि ये जेवर लेके आया है तो उसका बैग नहीं है, दुकान का चाबी वो पॉकेट में रखता था तो दुकान का चाबी मिला है, मोबाइल मिला है, गले में सोने का चैन था वो भी मिला है। हमको ये लगता है कि इसको पहले से कोई जो है इसको जानकारी किसी को लग गया है कि इनके बैग में सामान है, पैसा है, और जो है या तो इसको जान से कोई डिले कराया है वहाँ कि लेट से आया वहाँ पर जहाँ पर यह घटना हुई है, महुआ का पेड़ है, पानी लगा हुआ है, एकांत है वहाँ। तो हमको दो ही लगता है कि या तो रुपया पैसा ये किसी को दिए हुए है वो इसका जो है सो हत्या करवा दिया है, ये दोनों बात उसमें है। पहले से इनका कोई किसी से विवाद वगैरह था लेन देन को लेकर के, क्योंकि ज्वेलरी के अलावा ये लेन देन का भी काम करते हैं? नहीं, विवाद किसी से नहीं था। अच्छा, अभी क्या ज्वेलरी वगैरह कुछ लेकर के गया? हाँ, बैग में जो बैग गायब है इनका, बैग नहीं है तो उसमें जेवर और रुपया पैसा रहता ही रहता है। देखिए, आज जो है बाजार से लाया गया था, बैरिया में एक ग्राहक है, उनको जो सामान देना था वो सामान देना था, तो वो सब तैयारी करके, चूँकि सुबह 7 बजे वो सामान को डिलीवर करना था घर पे जाकर, तो वो सामान भी वो रहा होगा उसमें, चूँकि उतना सुबह दुकान वो खोलेगा नहीं, तो सामान भी बैग में रहा होगा। क्या नाम हो गया? मेरा नाम रतन कुमार शाह है, वो मेरा भतीजा था। उनका नाम क्या? रवि कुमार सोनी। मिस्टर के भाई द्वारा बताया गया है कि ये दुकान पे लगभग बंद करके लगभग 10 बजे रात्रि में लौट रहे थे, मंडोरी धामदास के अतर्दा है जाने वाली सड़क में LIC ऑफिस के कुछ दूर पहले अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारा गया, जिसे यहाँ उनके परिवार के लोग और कुछ गांव मोहल्ले के लोग चला रहे थे। यहाँ डॉक्टर ने उन्हें जांच कर डेट डिक्लेयर कर दिया। सर, क्या लग रहा है कितने लोग के अपराधी, क्या कुछ जानकारी मिली है? अभी इन लोगों के द्वारा कोई विशेष बताया नहीं जा रहा है, तो अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में और अगर घटनास्थल के आसपास के लोगों के बयान से पता चलेगा। लूट की भी घटना घटी है कुछ?
अभी क्लियर कहा नहीं जा रहा है, अभी अब बयान लेने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। ऐसे तो लग रहा है कि दो दो गोली चलाई गई है, उसे लगता है इंटेंशन है कि उसकी हत्या करने। प्रथम दिशा सर क्या मामला सामने आया? प्रथम दिशा तो ये इन लोगों के बयान से लग रहा है कि हत्या का मामला है। जैसे परिजन बता रहे हैं कि इनके पास एक बैग था, उसमें गहना और कैश भी रखा हुआ था। देखिए ये दुकान से जब चले हैं तो किसी ने इन्हें देखा नहीं है कि क्या क्या लेकर के चले हैं। इनके गले में सोने का चैन, हाथ में उंगली में अंगूठी, मोटरसाइकिल भी वहाँ है, चाबी भी पड़ा है। अब बैग लेके चले हैं या नहीं चले हैं ये तो अब अनुसंधान का विषय है। सर मृतक का सूद ब्याज का भी धंधा था जो बताया जा रहा है कि उसके कारण भी हत्या होने की आशंका है। इन लोग उनके कुछ परिजन लोग बता रहे हैं कि ये दुकान में ज्वेलर्स वगैरह गोल्ड वगैरह रख करके कुछ रकम उधार दिया करते थे और उसमें इंटरेस्ट लेते थे, इस तरह के भी अभी बताई जा रही है।